जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में राजा मेदिनी राय जी की जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तरी भारत में पाल वंश के पतन के बाद चेरो वंश का उदय हुआ। इसका शासनकाल 12वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य था। इनका शासन उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत था। इसकी प्रथम राजधानी बिह या भोजपुर थी, जो बाद में क्रमशः तिरवा, भोजपुर, देव मार्कंडेय, चैनपुर और पलामू बनी। पलामू में चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी में रक्सेल वंश का अंत करके किया गया, जो सन 1813 तक रही। इस राजवंश की आधिकारिक भाषा भोजपुरी, मगही और नागपुरी रही है। चेरो वंश के सबसे प्रतापी राजा मेदिनी राय भूपाल सिंह का उत्तराधिकारी बना और सन 1658 से मृत्यु पर्यंत सन 1674 तक पलामू का राजा बना रहा। मेदिनी राय का शासन काल 16 वर्षों तक रहा। मेदिनी राय ने नागवंशी राजधानी दोईसा पे आक्रमण किया था और वहां लूटपाट मचाई थी। नवरत्नगढ़ में लगे विशाल पत्थर का दरवाजा को पलामू में ले आया था। रघुनाथ शाह पे इस जीत की खुशी में मेदिनी राय ने पलामू का नया किला बनवाया था। इस दरवाजे का नाम नागपुरी दरवाजा था। इस दरवाजे के दोनों तरफ संस्कृत और फारसी में अभिलेख लिखा हुआ था, जिसे मेदिनी राय के दरबारी विद्वान बरन माली मिश्रा ने लिखा है। सन 1660 में औरंगजेब के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने पलामू के किले पर हमला किया। दाऊद खान के इस अभियान में दरभंगा के फौजदार मिर्जा खान, चैनपुर के जागीरदार तऊर खान, जिससे मेदिनी राय को सरगुजा में शरण लेना पड़ा। दाऊद खान ने मनकली खान को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। मेदिनी राय ने सरगुजा से लगातार मनकली खान पर हमले करते रहे। अंततः पलामू में मुगलों की स्थिति कमजोर हुई और 22 अगस्त 1666 को मनकली खान को पलामू से भागना पड़ा। मनकली खान के वापस जाते ही मेदिनी राय ने पुनः सन 1666 में पलामू पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय न्यायी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। जल्द ही उन्होंने पलामू को दुर्गति से उबारा। उन्होंने कृषि के लिए बहुत कार्य किए और पलामू को कृषि प्रधान राज्य बना दिया। मेदिनी राय के काल को चेरो काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मेदिनी राय ने अपने साम्राज्य को दक्षिणी गया, हजारीबाग और सरगुजा तक विस्तृत किया। उन्होंने गया के शेरघाटी, जपला, कुटुम्बा, बेलुंजा सीरीज के राजा को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। मेदिनी राय ने आसपास के क्षेत्रीय राजा को पराजित किया। जैसे सन 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पलामू का राजा क्रमशः रुद्र राय, दिग्पाल राय और साहेब राय बनते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेता, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।